अंबेडकर ऐसे अकेले नेता हैं जिनसे आज के नेता वाकई डरते हैं। उनकी हर बात को इस तरह से पेश करते हैं या सुनते हैं जैसे कुछ हो जाए, चुनौती नहीं देनी है। जबकि अंबेडकर खुद ही नायक पूजा के खिलाफ लिख गए और कहते हैं कि इससे नष्ट हो जाता है समाज और लोकतंत्र। अब दूसरा प्रसंग जिसमें गांधी जी से अंबेडकर पूछते हैं कि कांग्रेस हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करती है और मुझे देशद्रोही क्यों कहती है। देशद्रोही से याद आया, हमें तो लगा कि आजकल ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका इतिहास देखिए कहां कहां है। इसके जवाब में गांधी कहते हैं कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। तब की बंबई विधानसभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये एसआर दारापुरी साहब ने हस्तक्षेप.com पे लिखा है, अंबेडकर कहते हैं कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया है, और मैं इस सदन में पुरजोर कहना चाहता हूं कि जब कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरजीह दूंगा। अगर कोई आततायी बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। जो यहां हो और जो यहां नहीं है, सब मेरी भूमिका को समझ लें। मेरे अपने हित और देश के हित से टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूंगा, लेकिन अगर देश के हित और दलित वर्गों के हित के साथ टकराव होगा तो मैं दलितों के हित को तरजीह दूंगा। सोचिए, आज तो पार्टियों में दलित नेता अपने हितों को छोड़ देते हैं पार्टी निष्ठा के चलते, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे थे। कल अगर कांग्रेस